सभी कुर्मी को धोखा दिया है, वो गरीब को धोखा, नीतीश कुमार दिया है। कौन कुर्मी को धोखा दे, कौन ही नीतीश कुमार दिया है? उतना बड़ा सरकार ललुआ का धोखा दे सकता है? हमने गरीब को उम्मीद से पप्पू यादव यहाँ से निकलेगा, पप्पू यादव पटना से काम। कौन मुख्यमंत्री बनने लायक इसको बनेगा, एगो लालू या रामविलास पासवान, कोई ठीक ना रहा नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं। कौन मुख्यमंत्री बनने लायक इसको बनेगा, एगो लालू या रामविलास पासवान? रामविलास पासवान। हाँ, लालू और रामविलास पासवान क्यों पसंद है? पसंद है कि तू साथ है, हम लोग ग्वार है, साफ बोलना, साफ बोलना, खुशी रहना है। नीतीश कुमार भी तो 15 साल से आपके ना, वो तो 17 साल कब गरीब किया है, गरीबों का तो ख्याल रखते हैं, सभी करता है, गुंजाई कर रहा है, पंजाबी कर रहा है। कौन करता है गरीबों का ख्याल? वो करता है। कौन? लालू सरकार। लालू सरकार। हाँ, जगह मकान बना है पटना में, उनका सरकार बनेगा, बना ही रहा है 15 साल से, मैं देख रहा हूँ था। उम्मीद है कि लालू जी आ रहे हैं वापस बिहार में, आ रहे हैं और तोते आ रहे हैं, आपकी बार पता चल जाएगा। अच्छा, आपकी बार पता चल जाएगा। किसको पता चल रहा है? नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार तो वो सब दोनों सतेला भाई जब राम विलास ललुआ, ललुआ तो भोग रहा है। हाँ। तो दोस्ती किया तो कुछ लड़ गया, चूरा दही जा ना तो गांठ फिर के नीतीश कुमार पहले था, उसका संग है गुजरात संग है, अब बीजेपी साथ नहीं था वो। हाँ। ललुआ की पार्टी मिल गया, मैं हार गया था, ललुआ का गांठ मारती सके थे, बेटा मुख्यमंत्री बना फिर हराया। आई सोशल मीडिया है ना, ये यहाँ राजनगर छोड़ो रो में आंख में से 600 रुपये सर के। क्या करते थे सुशील मोदी? सुशील मोदी? हाँ? अरे गाड़ी को जो जैसा को डोम के भगा करके पैसा खाता है 500 सैकड़ा सुशील मोदी। सुशील मोदी? हाँ, ये छोड़ रोड में करवाई, हम आराम के छंक पैसा रख लेते। वोट मांगने आएंगे तब क्या करेंगे? नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, लालू के मिलेगा। हाँ? बस तब लालू को मिलेगा। हाँ? आपका क्या नाम था? नहीं मिलेगा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ जी, किससे उम्मीद है इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में? उम्मीद से पप्पू यादव यहाँ से निकलेगा। पप्पू यादव पटना से काम किया है, पप्पू यादव निकलेगा यहाँ से, उसका चाना से पटना से निकले। पप्पू यादव के कौन सा काम आप लोगों को पसंद आया? पप्पू यादव बारहवीं जीत में काम किया था, जो पानी बढ़ा, पानी बढ़ा, पानी जो दिखा था, पप्पू यादव काम किया है, काम किया है। पप्पू यादव यहाँ से निकलेंगे। पप्पू यादव का अगर कैंडिडेट होता है तो वो निकल सकता है? हाँ, वो निकल सकता है। पप्पू यादव पूरा उम्मीद एक निकलेगा, पप्पू यादव निकलेगा। ये मोदी जी 1000 वोट अकेले दे देंगे, अकेले देंगे, सबको जनता को मिला के देंगे, मिला के देंगे। देखिए मोदी जी कुछ काम नहीं किए, इतना डूबे। नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में 15 साल से, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए बिहार के लिए, क्या नहीं किए? नहीं किए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, गरीब आदमी डूब रहा था, गरीब आदमी डूब रहा है। एक हाँ, क्या है नाम? और नाम सुन लीजिए पहले, नाम भी बताइएगा। नाम बता दें, चश्मा रख के चलते बुरा, नाम बता देंगे इनसे पहले, नाम जान लेंगे। आप ये बताइए आपका क्या नाम है? आपका नाम है जयप्रकाश कुमार। जय, कैसे देख रहे हैं इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव? 2020 का चुनाव तो जनते बता ही रही है कि कैसा है, कौन सरकार तब के तो बदलेगी, ये तो सब देख रहे हैं। सरकार बदल जाएगी, किसकी सरकार आ जाएगी? ये तो चुनाव और नकदी नकदी जारी, देखिए माहौल, ये तो सरकार बदल जाएगी। सरकार बाबा जीतन राम मांझी सरकार तो बदलेगी, वजह क्या है आखिर बदलने की? वजह क्या है कि बाढ़ देख ही रहे हैं, बाढ़ से आदमी तबाहे है हर जगह में, दो बार तो, एक बार तो पटने में देखें तबाही कितना हुआ, स्टूडेंट लोग कितना परेशानी हुई, आदमी जो सब बार क्षेत्र में। विकल्प किसको देखते हैं, विकल्प कौन हो सकता है आखिर मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है? विकल्प हो सकता है जो नजदीक चुनाव आने में, देखिए जनता तो अभी तो न कर सकती है, तो कोई तो पसंद होगा, पसंद तो है ये है। कौन से लोग पसंद? अभी नया में कन्हैया कुमार भी अभी तो लड़ सकते हैं। हाँ, क्या अच्छा लगता है कन्हैया? कन्हैया कुमार तो ये तो ब्रह्मांडे फाड़े वाला आदमी है कन्हैया कुमार, फाड़ देता है। अच्छा, तेजस्वी को लेकर काफी लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसमें भी काबिलियत है तेजस्वी यादव में, कहा कि नया चेहरा है, नया चेहरा है। एक मिनट आपसे बात करना है, ये बताइए नाम क्या है? मीना देवी। मीना देवी जी, अब चुनाव आ गया है, 2 महीना बाद चुनाव है, नीतीश कुमार का काम कैसा रहा? कोई ठीक ना रहा नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं। क्या लगता है अब कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए यहाँ? अब जो भी जीतता जो भी तो वही धंधा होता है। क्या धंधा होता है बता सकते क्या हैं? सब तो वही धंधा होता है कि कहता कि शराब नहीं बिकता है, शराब नीतीश कुमार तो आप लोग के कहने पर ही शराब बंद करवा दिए, तो कहाँ बनूंगा कि महिलाओं ने कहा था गली गली में शराब बिक रहा है। नीतीश कुमार लगातार कहते रहते हैं कि आप लोग की डिमांड था कि शराब बंद कर दीजिए, शराब बंद हो गया। हम लोग का रोड पर के धंधा है, रोड पर के बार बार प्रशासन आता है बंद करवाता है, अब क्या करें, भूख मरे। अच्छा, अब मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? लालू यादव का बेटा है और कोई दिखता है? पप्पू यादव दिखते हैं, कौन दिखता है आप लोगों को अब तो? अब ये कैसे कहा जाए कि कौन, कोई तो पसंद होगा,
पसंद तो होगा कोई, जो भी तो जीतता तो ही पसंद, कोई आता नहीं है, यही बात है क्या, जो जीतता है सब चला जाता है जीत करके, यही बात है। हाँ, हाँ, कोई फायदा नहीं होता हम लोगों को, हम लोग का कोई फायदा तो नहीं होता, कोई आता जीत के चल जाता है, हम लोग जीत के चल जाता है, हम लोग का तो कोई फायदा ना होता है। अच्छा, आप लोगों को कोई फायदा नहीं होता, और भी जो कुछ लोग यहाँ कुम्हरार में है, एक बार आपसे, आपका आपका नाम क्या हुआ? जयप्रकाश। जयप्रकाश, चुनाव आ गया है, हाँ। कौन लग रहा है सरकार में आने वाला है? तेजस्वी। तेजस्वी, तेजस्वी का वजह क्या है, क्यों तेजस्वी आएंगे? वो अच्छे हैं, अच्छे हैं, हाँ। क्या नीतीश कुमार भी तो 15 साल रहे बिहार में, खूब काम किया, कुछ नहीं किया। चुनाव है बिहार में, नीतीश कुमार बता रहे हैं कुछ नहीं किया, सही बात है? खूब किए हैं, पूरा जकाजक काम किए हैं, पूरा जकाजक काम हुआ है, काम कुछ काम नहीं हुआ, कौन सा काम होगा? शिक्षा चौपट हो गया, शिक्षा चौपट हो गया, शिक्षा व्यवस्था सही कर दे, नीतीश कुमार का जय जयकार, नीतीश कुमार हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी जो लोग लगातार सरकार को लेकर हो रहे हैं, इनका मानना है कि तेजस्वी यादव, आप कहते देखिए, इनका मानना जो है, इनका मानना हम नहीं बता पाएंगे, मेरे लिए नीतीश कुमार है अच्छा है, कुछ काम हम लोग के लिए करे, स्टूडेंट के लिए अच्छा करे, जो समस्या जो है मुसल्लमपुर में है या पटना में है, रूम का प्रॉब्लम है, रूम रेंट का प्रॉब्लम है, ये सब काम कर दे, ये सब का सिस्टम बना दे, शिक्षा में सिस्टम बना दे, तो फिर से नीतीश कुमार 2020 में, हाँ, फिर वो नीतीश ही आएगा, निश्चित आएगा नीतीश, हाँ, हाँ, देख लीजिए चारों बगल पर मूड बदल जाता है, बदल गया है, हाँ? भाई साहब बताने लगे आपको, तो आप कह रहे हैं अब तो नीतीश कुमार आएंगे, सभी तुषार एक तरफ, गुवार एक तरफ, बबली एक तरफ, कहा तो नीतीश कुमार था बिहार में, क्या कह रहे हैं सभी, कुर्मी को धोखा दिया है, वो गरीब को धोखा, नीतीश कुमार दिया है, कौन कुर्मी को धोखा दे, कौन ही नीतीश कुमार दिया है, उतना बड़ा सरकार ललुआ का धोखा दे सकता है, हमने गर्मी को खबरी जो भी बना के दिया है, हम ढंग कर रहे हैं, वोट ले लेगा भाग जाएगा, हमें को पता व्यवस्था किया है, अच्छा, हाँ, आप बोलो कुछ काम बिहार के लिए क्या किया, वो आपको वही तो, अब वोट आ गया समय नहीं, वोट आ गया था, कहते नीतीश कुमार नहीं आएगा बिहार में, यहाँ जहानाबाद, मगर जीतन मांझी आएगा या लालू आएगा, या तो लालू आएंगे या तो मांझी आएंगे या रामविलास पासवान आएंगे ना, कोई जात बढ़िया ना आएगा, कोई जात बढ़िया नहीं आएगा। एक एक सवाल ये है कि आप पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम विकी कुमार है। ऋतु, चुनाव है, एजेंडे क्या है आपके? सर पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं सर अभी फिलहाल नहीं, नहीं फिलहाल मतलब करियर पे, आप नहीं चाहते हैं कि शिक्षा बेहतर हो? सर चाहते हैं शिक्षा बेहतर, बिल्कुल। तो क्या लगता है बिहार में शिक्षा बेहतर हुई है? सर मेरे ख्याल से तो हुई है बेहतर, जी सर बिल्कुल हुई है, क्योंकि सर मेरे भाई बहन है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है शिक्षा तो बिल्कुल बेहतर हुई है, मतलब मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, जी सर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया सर, ये स्टेट के लिए भी अच्छा काम किया है सर, और भी लोगों की नज़रें होते, सबकी नज़रों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन जिनके लिए जो फायदा और उनके उनके नज़र में तो डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुआ आप मानते जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो हम कुम्हरार में थे और कुम्हरार के लोगों से ये जान रहे थे कि आखिर बिहार में 2020 में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। आप बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सकें।